10 बजे से 4 बजे तक आपको तेंदुए यहाँ पर साफ दिख सकते हैं, वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, और अगर कोई बढ़िया नहीं है तो बढ़िया हो जाएगा। आज फिर से सैटरडे, हल्द्वानी में मार्केट 2 बजे तक ओपन हो रही है, उसके बाद क्लोज कर रहे हैं। आज हम निकले हैं 2 बजे के बाद, तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 है अभी। इस टाइम पे हम है भीमताल, ठीक है। आज भी कुछ भाई बंधु साथ हैं, मिलवाएंगे। आज का जो ट्रिप होने वाला है 2 दिन का होने वाला है। फिलहाल जो अभी तक प्लान है कि हमने अल्मोड़ा जाने का सीन, बाकी उससे आगे देखेंगे कहाँ क्या सीन बनता है, अल्मोड़ा में कहाँ जाना है क्या जाना है। ये ट्रिप होने वाला 2 दिन का। इस वाले ब्लॉग में आप मतलब जो भी होगा शाम तक का, रात तक का, पूरा आज के में रहेगा। कल का जो प्लान होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में रहेगा, वो अलग ब्लॉग बनेगा, ठीक है। जो भी जगह कवर करेंगे, आज का मोस्टली जहाँ तक भी है रोड ट्रिप रहेगी। एक बंदा हमारा पीछे रह गया था, उसके रुके हैं, और एक बाइक हमारी आगे निकली है। पीछे वाले बंदे का वेट कर रहे हैं क्योंकि यार शाम का टाइम है, ज्यादा पीछे रह जाएगा और कोई दिक्कत होगी तो। बाकी वैसे भी रोड पे हैं, हमारे साथ बंदे हैं तो यार पीछे वाले का हमेशा वेट करना चाहिए, पीछे वाले को साथ लेके चलना है। तो सारे बंदे जाएंगे तो साथ ही ना, पीछे वाले बंदे का वेट कर रहे हैं। मतलब व्यू पहाड़ दिखाता हूँ आपको, क्या कहें, बाल खराब हो जा रहे हैं ये भाई। ये सबसे लेट है हमारे में, इसके चक्कर में रुके हुए हैं। नवाब साहब आज स्मार्ट लग रहे हैं, नवाब साहब की स्माइल ही गजब है, शर्मा जाता है। रत्ती घाट के आसपास हम कहीं रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, चाय पी के फिर निकलते हैं। सारे भाई बंधु हमारे खड़े अभी चाय पीते हैं। चीनी नहीं होगी इसकी शक्ल भी देख ले, लाइक रखी थी, चाय नहीं पियोगे तो रस्ते हो रहे। अरे उसकी शक्ल ऐसी होगी जैसे सजा दे दी हो इसको। इसको पूछे मैंने तुंगनान में कैसा खाना खिला दिया इनको। क्या कहा है, उबला हुआ खाना, उबला मतलब ना नमक ना कुछ ना कुछ, वो भी परेशान। सुबह का नाश्ता कर रहा, अभी कुछ नहीं खा रहे, मैंने सब्जी उबाल दी, उबाल के खा गया मैंने। भाई सुबह का खाना ऐसा टिंडे टिंडे थे, टिंडे वही उबाल के खा गए, नमक डाल दे यार। वो कह रहा था, वो तो पहले सर कुछ ला रहा था, क्या दूंगा फिर। पुल क्रॉस करके आप उस तरफ को रानीखेत जाएंगे, और जहाँ मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा हाईवे, ये साफ है ना गर्म पानी। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा काठ गोदाम यहाँ से 54, तो इसका मतलब 54-60 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। शाम के 4 बज रहे होंगे, भाई बंधु कुछ बहुत धीरे चल रहे थे, उसकी वजह से यार भाइयों को सभी को साथ लेके चलना है, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो हम खींच लेते यार ऐसे तो।
अभी हम लोग जो है 2-3 किलोमीटर नीचे अल्मोड़ा पहुंचने ही वाले हैं लगा लो। तो अभी तक जो है मजा आया है, पीछे देखो व्यू भाई, अल्टीमेट आपको व्यू दिख, कहर वाला व्यू, मजा आ जाएगा इसमें। तो एक भाई हमारे बहुत लेट है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। ठीक है, अभी हमने अल्मोड़ा क्रॉस करके ये नीचे कोसी वाली रोड पे आ गए रास्ते में। तो यहाँ भाई बहुत ठंड है, व्यू देखो, ठीक है व्यू अल्टीमेट है यहाँ पे। बारिश के आने की मजा है, आवाज आ रही है, ओले गिरने लग गए भाई, अलग ही वाला हो गया रास्ते फंसे हुए हैं सब। अभी भी कहीं पूरा अंधेरा हो गया, अभी स्ट्रीट लाइट आ रही है तो इसकी वजह से थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ कहीं रास्ते में। फिलहाल 10 बजे से 4 बजे तक आपको तेंदुए यहाँ पर साफ दिख सकते हैं, वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। तो हेलो दोस्तों, यार लाइट नहीं है, दूसरे के मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है। रास्ते में आपने देखा कि ओले पड़ गए थे और ठंड मतलब अल्टीमेट लेवल की ठंड हो रही है। और यहाँ मतलब सोमेश्वर के आसपास रणमर करके कोई गांव है, तो मेन हाईवे से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर ये गांव है। दोस्तों अभी खाना वाना खा लिया है, आवाज़ ही बैठ गई यार, रास्ते में ओले गिर रहे थे, उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या गाँव समझ नहीं आ रहा है, बहुत बुरा हाल है ठंड से। देख रहे हो कि हुडी पहन ली है, भाई बंधु सारे सो रहे हैं, अभी डिनर किया हमने, 10:30 हो गया रात के, अभी हम 9:30 बजे रूम पे पहुँचे हैं, एक भाई के घर पे पहुँचे हैं। हम सोमेश्वर से थोड़ा सा पहले होंगे, कल सुबह नई सुबह नया ब्लॉग, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।